Hello students, welcome back to my class. Today we are in the fourth chapter of your textbook, The Heritage of Indian Art, Bhartiya Kala Ki Virasat. In this chapter, we are going to discuss the spirituality of Indian art. But the nice thing is that इस चैप्टर में सिर्फ छह ही क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं. So let's start with the summary of the chapter. The Heritage of Indian Art, भारतीय कला की विरासत. विरासत क्या है? हेरिटेज इज समथिंग दैट हैज बीन ट्रांसफर टू अस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस. तो पुरानी पीढ़ियों से जो कला हमको मिली है वो हमारी विरासत है. और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, इट लाइज इन रिकॉग्निशन ऑफ इनर लैंडस्केप ऑफ मैन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन आउटर लैंडस्केप ऑफ मैन कंप्राइजिंग मिरियाड पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर. तो मनुष्य के अंदर की जो दुनिया है उसकी पहचान, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, बाह्य जगत में, बाहरी दुनिया में बहुत सारे रूपों में होता है. जस्ट लाइक थाउजेंड पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर. तो कमल के फूल की जैसे हजारों पंखुड़ियां होती है, उसी तरीके से हमारे मन की जो अभिव्यक्ति है उसकी बाहरी दुनिया में कई रूपों में पहचान होती है. और वही हमारी कला है या सांस्कृतिक विरासत है. The diversities are held together like planets in their orbit. तो ये जो बहुत सारी विविधता है वो केंद्र में एक ही एकता से बंधी हुई है, जिस तरीके से ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी कक्षा में बंधे हुए होते हैं. Two examples are given here to understand this unity in diversity. तो इस विविधता में एकता को समझाने के लिए दो example हैं. The first one is of human body. तो हमारा जो शरीर है, it is made up of different systems, each interrelated and interconnected. तो हमारा शरीर कई सारे तंत्र से मिलकर बना है, digestive system, circulatory system, respiratory system, etc. तो जो सारे systems हैं, they are all interconnected. सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं and interdependent. और सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. शरीर एक ही है लेकिन उसमें फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ थिंग्स आर कंटेंड. भौतिक चीजें भी है हमारा शरीर है और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी है हमारी आत्मा. द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ चैरियट व्हील. तो दूसरा एग्जाम्पल चैरियट मतलब रथ, व्हील मतलब उसका पहिया, रथ के पहिए का है. द सेंटर इज स्टिल विच रिप्रेजेंट्स निर्वाण और मोक्ष. तो पहिए का जो केंद्र है वो हमेशा स्थिर है, पहिए की परिधि घूमती है लेकिन उसका केंद्र एक ही जगह पर स्थिर होता है. तो वो निर्वाण या मोक्ष का प्रतीक है. द एरिया बिटवीन द स्पोक्स रिप्रेजेंट सेंसरी डिजायर्स. तो जो उसके पहिए के स्पोक के बीच में जो एरिया है वो हमारी इंद्रियों को या हमारी इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं. ऑल हार्नेस्ड एट द सेंटर. लेकिन सभी इच्छाएं, हार्नेस्ड मतलब कंट्रोल्ड, लगाम खींचकर सभी को एक जगह कंट्रोल किया गया है केंद्र में. द ऋग्वेदा स्टेटेड इट एज ट्रूथ इज वन बट इट्स एक्सप्रेशंस आर मेनी. तो इस भाव को ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कई रूपों में है, हजारों रूपों में, हमारी कला के विविध रूपों में होती है. कथा उपनिषद में भी मनुष्य के शरीर की तुलना रथ एवं रथ के पहिए से की गई है. नो दाउ द सोल एज राइडिंग इन अ चैरियट द बॉडी एज द चैरियट. तो आत्मा जो है वो हमारे शरीर रूपी रथ पर सवार होकर जा रही है और हमारा शरीर ही वह रथ है. नो दाउ द इंटेलेक्ट एज द चैरियट ड्राइवर एंड द माइंड एज द रेन्स. तो इंटेलेक्ट जो हमारी तर्क शक्ति, हमारी बुद्धि जो है वो रथ का ड्राइवर है, उसको उसका चालक है. एंड द माइंड एज द रेन्स. रेन्स मतलब होता है लगाम और हमारा दिमाग उसका कंट्रोलिंग पावर है, उसका लगाम है. द सेंसेस दे से आर द हॉर्सेस. तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो घोड़ों की तरह है. तो जिस तरीके से किसी भी रथ में अगर बहुत सारे घोड़े हैं तो सभी उस रथ को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से हमारी इंद्रियां भी हमारे मन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस व्हाट दे रेंज ओवर द सेल्फ कंबाइंड विद सेंसेस एंड माइंड वाइज मेन कॉल इट एंजॉयर.
तो बुद्धिमान आदमी वही है जो अपने मन और अपने दिमाग के बीच में सही बैलेंस बना पाता है। ओके, when we talk about Indian architecture, whether stupas or temples or mosque embodies the same world view, तो ये जो हमारी वास्तुकला है, भवन, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो स्तूप हो, वो भी इसी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। The mud walls, bricks and stones are expressions of the multiple forms flowing out and into a still center. तो मंदिर में हो, चाहे मस्जिद हो, ये सभी जो अनेक अपना रूप प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सभी का केंद्र बिंदु स्थिर है, एक ही है। इनवेरिएबली इट बिगिंस विथ इंटीरियर यूनिटी एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू अ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स विच इवोक्स हार्मनी एंड इक्वेनिमिटी। तो भले ही ये अपने आप को विविध रूपों में प्रदर्शित करते हों एक स्पेक्ट्रम की तरह, लेकिन एक साथ ये कुल मिलाकर हार्मनी मतलब भाईचारा और समता का भाव प्रदर्शित करते हैं। देयर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सेंटर, द सेंटर एनलार्जेस इटसेल्फ टू अ वास्ट सर्कल और स्क्वायर। तो सबसे पहले सभी धर्मों में सभी वास्तुकला का केंद्र बिंदु एक ही है और वही केंद्र अपने आप को कई रूपों में प्रदर्शित करता है। द ऑर्नामेंटेशन प्ले देयर रोल टू अ असेंडिंग वननेस, ईच डिटेल कैन बी सेपरेटेड बट इन फैक्ट नन इज ऑटोनॉमस। तो चाहे वो मंदिर या मस्जिद की सजावट हो, सभी उसी एक भाव को प्रकट करते हैं। तो एक एक चीज को भले हम अलग से देख सकें, लेकिन कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ईच यूनिट इज पार्ट ऑफ होल, इंटरवोवन एंड इंटरलॉक्ड। तो सभी जो उसके भाग हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन टोटैलिटी इट रिप्रेजेंट्स हेवन ऑन अर्थ द सुमेरु। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें पृथ्वी पर ही हमें स्वर्ग का आभास दिलाती हैं, सुमेरु की तरह, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। अल्टीमेटली इट इवोक्स अ ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस। तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या स्तूप हो, सभी का उद्देश्य एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। दैट ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस, वो परम सुख की अनुभूति, जब हम अपने आप को, अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग देख पाते हैं या परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। तो हमारी जो वास्तुकला है, उसका उद्देश्य एक ही है, अध्यात्म या ईश्वर की ओर हमको उन्मुख करना। द सेंटर ऑफ द मॉस्क आर टेम्पल रिप्रेजेंट शून्य, निर्वाण और मोक्ष। All the temples or mosques speak the same language of transcendental and heightened experience. तो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, तो उनका जो केंद्र है वो शून्य या निर्वाण या मोक्ष का प्रतीक है। तो सभी मंदिर और मस्जिद इसी सेम लैंग्वेज ऑफ ट्रांसेंडेंस, सभी का उद्देश्य, उनकी भाषा एक ही है, उस हाइटन्ड एक्सपीरियंस, उस परम अनुभूति की तरफ, जब हम परमात्मा को अपने अंदर फील कर सकें। स्कल्पचर लाइकवाइज मैनिफेस्ट द विजन ऑफ होलनेस थ्रू अ मेथड ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन। तो स्कल्पचर अर्थात मूर्तिकला भी लाइकवाइज उसी तरीके से, वास्तुकला की तरह ही, मैनिफेस्ट द विजन ऑफ होलनेस। मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना, विजन ऑफ होलनेस मतलब एकता का ही, एक ही होने का दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, थ्रू अ मेथड ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन। तो कोई भी कला भारत में पर्सनल नहीं है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। इंडियन आर्ट इज नॉट पोर्ट्रेचर ऑफ स्पेसिफिक। तो भारतीय कला कभी भी किसी के व्यक्तिगत भावों का प्रदर्शन नहीं है। बुद्धा इज बुद्धा द प्रिंस सिद्धार्थ बट ही इज मोर, ही इज कंपैशन पैथोस एंड ग्रेस इन अब्सोल्यूट। तो भगवान बुद्ध को भले हम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, लेकिन बुद्ध के अलावा वो कंपैशन, दया और करुणा के प्रतीक हैं। दे आर बियॉन्ड देयर कल्चरल बाउंड्रीज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ वास्ट ओशन ऑफ करुणा। तो वो किसी धर्म से बंधे हुए नहीं है, किसी जाति से बंधे हुए नहीं है, वो तो
करुणा की दया के प्रतीक है कंपेशन इन ऑल इट्स मल्टीट्यूड एंड एक्सप्रेशन। तो दया के अलग अलग रूपों में उन भावों को भले प्रदर्शित किया जाए, लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं बुद्ध होने से ज्यादा इन भावों के प्रतीक माने जाते हैं। द इमेजेस ऑफ शिवा एंड विष्णु ऑन द अदर हैंड कंबाइनिंग थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वॉल्यूशन एंड डिवॉल्यूशन एज कंजॉइंट इमेजेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। तो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश जिसको हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, त्रिमूर्ति कहने का मतलब थ्री फॉर्म्स कंबाइंड इनटू अ वन। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश दे आर ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। तो ब्रह्मा को हम क्रिएटर मानते हैं, विष्णु को पालनकर्ता मानते हैं और शिवा द डिस्ट्रॉयर। All expresses unmanifested unity, लेकिन ये तीनों मिलाकर फिर से ईश्वर के एक ही होने का भाव प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर के तीन रूप माने जाते हैं। The many faces and arms of the image are parts of the whole, which leads to transcendental experience of bliss. तो भले ईश्वर के रूप अनेक हों, लेकिन उनका उद्देश्य वही है, हमारा परमात्मा से साक्षात्कार कराना। The famous image of Shiva in Elephanta, called Trimurti, is Shiva as Sadashiva, Parvati and Aghora. तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो फेमस त्रिमूर्ति मिली है, भगवान के तीन रूप, उसमें भी शिव के जो तीन रूप दिखाए गए हैं, तो एक उसमें से है शिव का, सदा शिव का रूप, एक पार्वती का और दूसरा अघोरा, द फियर्स वन, जिसको हम रुद्र रूप के नाम से जानते हैं। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिमूर्ति इन एलिफेंटा। तो आपको ये तीन रूप उसके ध्यान रखना है। पेंटिंग स्कूल्स लाइकवाइज गिव फर्दर एविडेंस ऑफ दिस डोमिनेंट मूड। तो जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, वो भी इसी भावना का प्रदर्शन करता है। द रेंज ऑफ पेंटिंग इज वास्ट फ्रॉम अजंता टू इस्लामिक जियोमेट्रिकल डिजाइंस। तो चाहे वो अजंता के गुफाओं के चित्र हों या फिर मुस्लिम्स जो उनके मॉस्क हैं या दूसरे मॉन्यूमेंट्स में बने हुए ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हों, दे ऑल आर अब्स्ट्रैक्ट एंड इम्पर्सनल। सभी उसी भाव का प्रदर्शन करते हैं, सभी इम्पर्सनल हैं, यूनिवर्सल हैं, किसी में भी व्यक्तिगत भावनाओं का प्रदर्शन नहीं है। म्यूजिक ट्रांस एंड ड्रामा एक्सप्रेस द सेम विजन। तो म्यूजिक हो चाहे डांस ड्रामा, ये सभी इसी दृष्टिकोण का प्रदर्शन है। द बिगनिंग इज सेम स्टिल सेंटर, सभी का केंद्र स्थिर है। एंड लीड्स टू इनवेरिएबल इनवर्डनेस, देन देयर इज एनलार्जमेंट इन एक्सपेंडिंग सर्कल्स ऑफ कॉस्मोस। तो केंद्र एक ही है, उसके चारों तरफ जो परिधि है उसका कई रूपों में प्रदर्शन है। द माइक्रो यूनिट्स ऑफ साउंड लाइट शेड एक्सेंट्स आर ओनली द पेरिफेरी, टुगेदर द स्टिल सेंटर एंड इज फ्लावरिंग पेटल्स लाइक लोटस पेटल इवोक द स्टेट ऑफ हाइटेंड एक्सपीरियंस। तो वो जो स्थिर केंद्र है और उसका कई रूपों में लाइट साउंड या एक्सेंट सभी रूपों में प्रदर्शन, दोनों मिलकर उसी स्थिति की ओर ले जाते हैं, उसी अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, जब हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग महसूस कर पाते हैं। थ्रू द ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट इंडियन डांस प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर स्टेट ऑफ विजन। और भारतीय नृत्य कला जो है वो लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट, मुद्रा की भाषा से, अपनी भाव भंगिमाओं की भाषा से मानव मस्तिष्क के अंदर के परिदृश्य को सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है। द डांस लाइक पोएट्री म्यूजिक स्कल्पचर्स सीक्स टू कम्युनिकेट यूनिवर्सल इमोशंस थ्रू द मीडियम ऑफ ह्यूमन फॉर्म। तो चाहे वो डांस हो, चाहे पोएट्री हो या म्यूजिक हो, इट ट्रांसेंड्स द फिजिकल प्लेन, सभी हमको भौतिक स्तर से ऊपर ले जाते हैं। डांस इंटरप्रेट्स इन मूवमेंट व्हाट म्यूजिक इंटरप्रेट्स इन साउंड। तो जो चीज म्यूजिक हमको ध्वनि के माध्यम से महसूस कराती है, वही डांस अपनी मुद्राओं के माध्यम से हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। Now let's proceed with the most important section of the chapter, questions and answers. Question number one, in what does the cultural heritage of India lie? भारत की सांस्कृतिक विरासत किसमें निहित है? The cultural heritage of India lies in recognition of inner world of man,
विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन डाइवर्स फॉर्म। तो रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, इनर वर्ल्ड मतलब मनुष्य के मन के अंदर की दुनिया की पहचान, जो कि एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन डाइवर्स फॉर्म, अपने आप को कई रूपों में प्रदर्शित करती है। लाइक मिरियाड पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर, कमल के फूल के हजारों पंखुड़ियों की तरह, मिरियाड मतलब होता है 10,000। तो हमारे मन की दुनिया जो अपने आप को हजारों रूपों में प्रदर्शित करती है, और उसी प्रदर्शन में भारत की सांस्कृतिक विरासत निहित है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रूथ इज वन बट इट्स एक्सप्रेशंस आर मेनी, टेल द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस कोटेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये जो कोटेशन है वो कहाँ से लिया गया है? दिस कोटेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऋग्वेदा। आंसर क्या होगा? ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द कथा उपनिषद स्पीक अबाउट द बॉडी ऑफ मैन? कथा उपनिषद में मनुष्य के शरीर के बारे में क्या कहा गया है? द कथा उपनिषद स्पीक्स अबाउट द बॉडी ऑफ मैन एज द चैरियट। तो मनुष्य के शरीर को रथ कहा गया है, और इंटेलेक्ट तर्क शक्ति या बुद्धि को उसका ड्राइवर कहा गया है, इंटेलेक्ट एज द चैरियट ड्राइवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इज इंडियन फिगरेटिव आर्ट पोर्ट्रेचर ऑफ स्पेसिफिक, क्या भारतीय कला व्यक्तिगत भावों का प्रदर्शन है? एंड द आंसर विल बी नो, इंडियन फिगरेटिव आर्ट इज नॉट पोर्ट्रेचर ऑफ स्पेसिफिक, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल एंड इम्पर्सनल। तो भारतीय कला हमेशा ही सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत नहीं है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिमूर्ति इन एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफाओं में जो शिव की त्रिमूर्ति का रूप बना है उसका क्या महत्व है? द सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिमूर्ति इन एलिफेंटा इज दैट इट इज मेड अप ऑफ शिवा एस सदाशिवा, एस पार्वती एंड एस अघोरा। तो भगवान शिव का एक सदाशिव का रूप पार्वती और अघोरा, अघोर मतलब भगवान का शिव का रुद्र रूप। थ्रू द यूनियन ऑफ दीज थ्री द फोर्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्वेनिमिटी इज अचीव्ड। और भगवान शिव के इन तीन रूपों के संगम से एक चौथा रूप जो कि समता का भाव प्रदर्शित करता है, सार्वभौमिकता का, वो चौथा रूप ये तीनों रूपों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडियन डांस प्रोवाइड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर स्टेट एंड विजन? तो भारत की जो नृत्य कला है वो किस तरीके से हमारे आंतरिक भावों का प्रदर्शन करती है? इंडियन डांस प्रोवाइड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर स्टेट एंड विजन थ्रू अ ब्यूटिफुल एंड कंप्लीट लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट। तो डांस की भाषा क्या है? उसकी मुद्राएं, मूवमेंट मतलब भाव भंगिमाएं या डांस की मुद्रा। तो डांस जो है अपनी भाव भंगिमाओं से मनुष्य के आंतरिक मन का, आंतरिक भावों का प्रदर्शन करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप राइटिंग योर कमेंट्स। थैंक यू।